नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, विचित्र राजमहल। विचित्र राजमहल, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन भाल चंद्र मांडके। सुलक्षणा अपने पुत्र विक्रम के साथ हिमगिरी के जंगल में रहा करती थी। एक दिन जब विक्रम जंगल में से जंगली फल तोड़कर गुफा में वापस लौटा, ओह, इन वस्त्रों को हाथ में लेकर माँ आज भी आंसू बहा रही है। पता नहीं इन वस्त्रों में ऐसा क्या है जो इन्हें देखकर माँ प्रतिदिन छुप छुप कर आंसू बहाती है। आज मुझे माँ से इस बात का रहस्य पूछना ही चाहिए। विक्रम के पूछने पर सुलक्षणा ने उसे बताया, ये जो राजसी वस्त्र तू मेरी गोद में रखे देख रहा है ना, यह तेरे पिता चक्रम सिंह के हैं। क्या ये वस्त्र राजा चक्रम सिंह के हैं? राजा चक्रम सिंह मेरे पिता हैं, लेकिन राजा चक्रम सिंह हैं कहाँ? तब सुलक्षणा ने उसे एक कहानी सुनाई। यह उन दिनों की बात है बेटे, जब मेरा भी जन्म नहीं हुआ था। मनोहर नगर राज्य पर राजा सुरजन सिंह राज्य करते थे। उनकी दो रानियाँ थीं, चारुलता और सौदामनी। यूँ तो राजा सुरजन सिंह की दो रानियाँ थीं, पर संतान किसी की भी नहीं हुई थी। अग्निपुत्र ऋषि के आशीर्वाद से रानी चारुलता के युवराज दुर्जन सिंह और रानी सौदामनी के राजकुमारी सुलक्षणा का जन्म हुआ। पिताजी महाराज, आप सुलक्षणा को तो खूब प्यार करते हैं और मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, यह तुम्हारा भ्रम है, सुरजन सिंह उसे झूठी दिलासा देते। धीरे धीरे दुर्जन सिंह और सुलक्षणा बड़े होने लगे। बेटा दुर्जन, तुम्हें आमोद प्रमोद छोड़कर राजनीति की शिक्षा लेनी चाहिए। एक दिन तुम्हें इस राज्य का राजा बनना है। पिताजी महाराज, राजनीति की शिक्षा मुझे बहुत नीरस लगती है, मेरा मन तो आमोद प्रमोद में ही लगता है। दूसरी ओर, ओह, तो हमारी बेटी को लड़का बनने का शौक चल रहा है। पिताजी महाराज, ऐसा ना कहिए, मैं तो तीर तलवार चलाना सीखकर आपको सहयोग देना चाहती हूँ, न जाने कब देश को मेरी ज़रूरत पड़ जाए। अग्निपुत्र ऋषि का दिया वरदान अक्षरश सत्य हो रहा है। लड़की होकर भी सुलक्षणा में बुद्धि व साहस का अपार भंडार है, जबकि युवराज दुर्जन सिंह गुस्सेल व निकम्मा है। दुर्जन सिंह से मुझे किसी प्रकार की कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। एक दिन, पिताजी महाराज, क्या बात है, आपने इस समय मुझे कैसे याद किया? तुमने कारनामा ही ऐसा किया है दुर्जन सिंह, सुना है जंगल में से तुम एक लड़की को उठाकर ले आए हो। अगले दिन जब दरबार लगा, युवराज ने बड़ा गंभीर अपराध किया है, इसलिए इन्हें एक माह के लिए देश निकाला देना ही उत्तम दंड है। दुर्जन सिंह ने क्रोध में भरकर रानी सौदामनी पर आरोप लगाया, युवराज, यह तुम क्या कह रहे हो, तुम तो हमारे बेटे हो, भला एक माँ अपने बेटे का बुरा क्यों चाहेगी? आप मेरी माँ अवश्य हैं, लेकिन सौतेली माँ। इन सब घटनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए देखें अग्निपुत्र और विचित्र वरदान। अब आगे, स्तब्ध सी महारानी सौदामनी ने राजा सुरजन सिंह की ओर देखा। महाराज, युवराज ने आज मुझे सौतेली माँ कहकर मेरा अपमान किया है, मैंने तो उसे कभी सौतेला बेटा नहीं समझा। इस क्रोधी और मूर्ख आदमी के कथन पर तुम दुखी क्यों हो रही हो महारानी? दुर्जन सिंह नादान है, उसके कहने पर न जाओ। अभी वे दोनों इस प्रकार का वार्तालाप कर ही रहे थे कि कक्ष में सुलक्षणा ने प्रवेश किया। पिताजी महाराज, अभी अभी जब मैं इस कक्ष की ओर आ रही थी तो राह में दुर्जन भैया मिले थे, मैंने उन्हें पुकारा भी था, लेकिन मुझ पर क्रोध भरी एक दृष्टि डालकर वे आगे बढ़ गए। वे क्रोध में क्यों थे पिताजी महाराज? सुलक्षणा बेटी, धर्मगुरु ने दुर्जन सिंह को एक माह के देश निकाले का दंड दिया है, इसलिए वह क्रोध में था। तब सुरजन सिंह ने सुलक्षणा को सारी बात बताई। तत्पश्चात, बेटी, दुर्जन सिंह के कृत्य पर हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें उससे ऐसी आशा न थी, हम बहुत अकेले पड़ गए हैं बेटी। ऐसी निराशा भरी बातें न कहिए पिताजी महाराज, आप अकेले नहीं हैं, आपकी बेटी आपके साथ है, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं है बेटी, तुम पर तो हमें गर्व है, सारे प्रजावासी तुम्हारी प्रशंसा करते अघाते नहीं हैं। तब निराशा छोड़िए पिताजी महाराज और मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं नगर भ्रमण के लिए जाना चाहती हूँ। यह सुलक्षणा का नित्यक्रम था, वह प्रतिदिन वेश बदलकर सारे राज्य का दौरा करती थी और राजमहल से निकलने से पहले राजा सुरजन सिंह से आशीर्वाद लेती थी। आज भी उसने ऐसा ही किया और कक्ष से निकल गई। इधर दुर्जन सिंह एक माह के लिए राजमहल छोड़कर चल दिया। चलो अच्छा हुआ,
कम से कम एक माह के लिए तो इस दुराचारी से छुटकारा मिलेगा। तुम ठीक कह रहे हो भैया, दुर्जन सिंह ने तो हम लोगों का जीना हराम कर दिया था। लोगों को बातें सुनकर दुर्जन सिंह ने घूर कर उनकी तरफ देखा। ठीक है, एक माह पश्चात जब मैं वापस मनोहर नगर लौटूंगा तब एक एक को देख लूंगा, कहकर दुर्जन सिंह आगे बढ़ गया। चलता चलता दुर्जन सिंह राज्य की सीमा से बाहर निकल गया। ओह, पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, थोड़ी देर कहीं रुककर आराम करके आगे बढ़ना चाहिए, सोचकर दुर्जन सिंह ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। तत्पश्चात वह सामने बने मकान के बाहर पहुंचा। बाबा, मैं थका हारा हूं, क्या कुछ देर तुम्हारे यहाँ रुककर विश्राम कर सकता हूँ? क्यों नहीं, लेकिन यहाँ रुकने से पहले तुम्हें अपना परिचय देना पड़ेगा। मैं मनोहर नगर के राजा दुर्जन सिंह का पुत्र दुर्जन सिंह हूँ। तुम दुर्जन सिंह हो? भला तुम जैसे आदमी को मैं अपने घर में कैसे ठहरा सकता हूँ? यह भले लोगों का घर है भाई, जाओ यहाँ से भाग जाओ। बूढ़े की बात सुनकर दुर्जन सिंह का चेहरा अपमान से सुलग उठा। अनायास ही उसका हाथ तलवार के मुठ पर कस गया। तभी उसकी आत्मा ने उसे सचेत किया। यह क्या कर रहा है दुर्जन, इस समय तेरा वक्त खराब है, इसलिए क्रोध को त्याग दे। अतः दुर्जन सिंह ने एक क्रोध भरी दृष्टि बूढ़े पर डाली और आगे बढ़ गया। इस प्रकार वह 10 दिन तक भटकता रहा। भूखा प्यासा वह जहाँ भी जाता लोग उसका नाम सुनते ही उसे वहाँ से भगा देते। आह, अब तो बिल्कुल भी भूखा नहीं रहा जा रहा है, क्या करूं? दुर्जन सिंह की आंखों के आगे बार बार अंधेरा छा रहा था। जब उससे और नहीं चला गया तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, इस प्रकार पूरा माह कैसे कट पाएगा? सोचते सोचते दुर्जन सिंह को चक्कर सा आया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। न जाने वह कब तक वहाँ बेहोश पड़ा रहता कि वहाँ से अग्निपुत्र ऋषि अपने शिष्यों के साथ गुजरे। अरे, न जाने यह कौन है, बेचारा अकेला इस जंगल में पड़ा है, हमें इसे उठाकर अपने आश्रम में ले चलना चाहिए। अपने शिष्य की सहायता से वे बेहोश दुर्जन सिंह को उठाकर अपने आश्रम में ले आए। फिर उन्होंने अपने शिष्य को आदेश दिया, इस बेहोश युवक के मुंह पर पानी की छींटे मारकर इसे होश में लाओ। शिष्य ने तत्काल गुरु की आज्ञा का पालन किया। मुंह पर शीतल जल के छींटे पड़ते ही बेहोश दुर्जन सिंह ने आंखें खोल दी। आह, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? बेटा, तुम एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे, हम तुम्हें वहां से उठाकर लाए हैं। ऋषिवर, भूख प्यास से मेरी अतड़ियां ऐंठ रही हैं, क्या आप मुझे भोजन करा सकते हैं? क्यों नहीं, हम अभी तुम्हारे लिए भोजन मंगवाते हैं। उनके आदेश पर उनका एक अन्य शिष्य कुछ फल ले आया। उन फलों को देखते ही, ऋषिवर, माना कि मैं बहुत भूखा हूँ, पर ऐसा साधारण भोजन करना मेरी शान के खिलाफ है, मैं यह भोजन नहीं करूँगा। क्या कह रहे हो तुम, भोजन कैसा भी हो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। नहीं ऋषिवर, मनोहर नगर का युवराज दुर्जन सिंह इन फलों को कदापि नहीं खाएगा। यदि आप मुझे स्वादिष्ट भोजन करवा सकते हैं तो करवाइए, वरना रहने दीजिए। दुर्जन सिंह का कथन सुनकर अग्निपुत्र ऋषि चौंके। कहीं यह राजा दुर्जन सिंह का पुत्र दुर्जन सिंह तो नहीं है? अपनी शंका मिटाने के उद्देश्य से उन्होंने दुर्जन सिंह से पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है बेटे? मेरे पिता का नाम राजा सुरजन सिंह है। ओह, कैसी विडंबना है, आज यह क्रोधी युवराज मेरे ही आश्रम में आ पहुंचा। अब जब मैंने इसे आश्रम में ठहरा ही लिया है तो इसके लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करना ही पड़ेगा। यह सोच भी दुर्जन सिंह से बोले, बेटे तुम कुछ देर यहीं पर रुको, हम तुम्हारे लिए अभी भोजन लेकर आते हैं। ठीक है ऋषिवर। अग्निपुत्र ऋषि अपनी कुटिया की ओर बढ़ गए। कुटिया में आकर उन्होंने विष्णु भगवान का ध्यान किया। अभी उन्हें ध्यान लगाकर बैठे कुछ ही समय बीता था कि कुटिया में एक देवदूत उतरा। आंखें खोली ऋषिवर, देवदूत की आवाज सुनकर अग्निपुत्र ऋषि ने आंखें खोली। मैं भगवान विष्णु का पार्षद हूँ ऋषिवर, जब उन्हें ज्ञात हुआ कि आप उनके ध्यान में बैठे हैं तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। कहिए ऋषिवर, आपने उन्हें कैसे स्मरण किया? देवदूत, मेरे आश्रम में अत्यंत क्रोधी दुर्जन सिंह ठहरा हुआ है, हम उसे स्वादिष्ट भोजन करवाने का वचन दे बैठे हैं, हम ऋषि हैं, हमारे पास भला स्वादिष्ट व्यंजन कहाँ? तब मैंने और कोई उपाय न देखकर विष्णु भगवान का स्मरण किया। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इसी समय दुर्जन सिंह के लिए स्वादिष्ट भोजन बन सके? अग्निपुत्र ऋषि की बात सुनकर देवदूत ने एक मणि उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ऋषिवर, भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न है, आप चिंता न करें,
यह मणि ले। इस मणि के आगे आप जो भी इच्छा प्रकट करेंगे वह पूरी होगी। धन्यवाद देवदूत। ऋषि को मणि सौंप कर देवदूत अंतर्ध्यान हो गया। तत्पश्चात ऋषि ने कुशा के आसन पर मणि रखी और आंखें मूंद कर कहा, मणि जल्दी से सोने की थालियों में 36 प्रकार के भोजन लगाकर आ जाएं। कुछ क्षण बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो वे चकित रह गए। ओह, यह तो वास्तव में ही सोने की थालियों में 36 प्रकार का भोजन लगकर आ गया। इसका मतलब तो यह हुआ कि यह मणि कल्पतरु वृक्ष के समान है, जिससे जो मांगो वही मिलता है। आश्चर्य व प्रसन्नता में डूबे ऋषि ने मणि को उठाकर अपने पास रख लिया। तत्पश्चात दुर्जन सिंह को कुटिया में बुलाकर भोजन करवाया। लगता है ये ऋषि कोई बड़े जादूगर हैं। मेरे कहते ही इन्होंने 36 प्रकार के भोजन का तत्काल ही प्रबंध कर दिया। भोजन करने के पश्चात उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर मैं अपनी सजा के बाकी 20 दिन भी इन्हीं के आश्रम में गुजार दूं तो उचित रहेगा। जिस प्रकार इन्होंने मेरे लिए अच्छे खाने का प्रबंध कर दिया है, उसी प्रकार ये मेरे लिए रहने का भी राजकीय प्रबंध कर सकते हैं। यह सोच दुर्जन सिंह ने अग्निपुत्र ऋषि से कहा, ऋषिवर आश्रम की पवित्रता और प्राकृतिक छटा ने मेरा मन मोह लिया है, इसलिए यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ दिन आपके आश्रम में ही गुजारना चाहता हूँ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।